हेलो दोस्तों, आप लोग जिस हेल्पर को देख रहे हैं लोग, इस हेल्पर को आप लोग बहुत सारे वीडियो के अंदर मेरे देखे होंगे, जो इसको मैं प्लेटा पे वेल्डिंग करने के लिए सिखा रहा हूँ और पीस पे वेल्डिंग करने के लिए सिखा रहा हूँ। लेकिन मैं इसको आज जब पे ही वेल्डिंग सिखाऊंगा, जब पे वेल्डिंग करवाऊंगा, से जब पे वेल्डिंग कैसे कर पाता है, वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है, कैसे वेल्डिंग करते हैं जब पे, मैं इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहते हैं से कितने दिन के अंदर में मेरे पास कितना इनको नॉलेज हुआ है, नॉलेज हो गया वेल्डिंग करने का, आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, मैं इसी से पूछता हूँ से मेरे पास कितना दिन आया हुआ है इनको, और कितने दिन के अंदर में जब पे मैं दिया हूँ वेल्डिंग करने के लिए। तो बाबू बताओ, मेरे पास तुम्हारे को आया हुआ कितना दिन हुआ? 25 दिन हुआ। दोस्तों देख रहे हैं लोग, 25 दिन आज हुआ है पूरा इनको मेरे पास आए हुए, और 25 दिन के अंदर में इनको क्या क्या सीखने को मिला है वीडियो के अंदर में देखने को आप लोग को खुद मिल जाएगा। सिर्फ 25 दिन के अंदर में कितना इनको नॉलेज हुआ है और कितना मैं सिखाया हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं लोग, ये 64 का लाइन है एक, मैं इसी में दूंगा इनको वेल्डिंग करने के लिए। इधर यहाँ से यहाँ तक इधर नीचे में रूट मरा गया है, नीचे में रूट मरा गया है, ऊपर में रूट मरना बाकी है। तो इनको मैं पहले हॉट पास मारने के लिए बोलूँगा, पहले हॉट पास कैसे मारते हैं पहले हॉट पास मरवा के देखूँगा, और हॉट पास अच्छा मारते हैं उसके बाद मैं इनको रूट मारने के लिए दूँगा। चलो बाबू मारो, नीचे से मत मारो नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, ऊपर से मारो, वहीं से मारो, यहाँ से मारो, एक पिलर पहले जरा कर दिखाओ हॉट पास कैसे मारते हो, उसके बाद रूट मारना ऊपर में। नाम से मारने का हड़बड़ाना मत, बढ़ाइए बोलो, बढ़ाइए और बढ़ाएं, ज़्यादा करंट भी मत लेना, आराम आराम से लेके चलना। बिले गिलास किधर है? देख रहे हैं लोग दोस्तों, ये हॉट पास मार रहे हैं पहले, और हॉट पास अच्छा मारते हैं तो फिर मैं इनको दूंगा रूट मारने के लिए। देख रहे हैं लोग दोस्तों, आराम से मारने का, आराम आराम से, ज़्यादा हड़बड़ाना मत। देख रहे हैं लोग दोस्तों कैसे मारे हैं, उतना अच्छा तो हुआ नहीं है लेकिन बिल फिर भी कम चराऊ है। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे छूट गया है, छोड़ना नहीं है, आराम आराम से प्यार से लेके चलना है, टॉर्च को आराम आराम से दोनों साइड में मूविंग करके लेके चलना है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम आराम से प्यार प्यार से। देखिए, और आप लोग हड़बड़ाते हैं तो आप लोग का वेल्डिंग ख़राब होगा, वेल्डिंग ख़राब होगा तो जो वेल्डर आपको वेल्डिंग दिए हैं करने के लिए जब पे, फिर वो आप लोग को दोबारा नहीं देंगे वेल्डिंग करने के लिए, क्योंकि आप लोग अच्छा वेल्डिंग नहीं करते हैं, और वहीं हड़बड़ाते नहीं हैं, आराम से प्यार से मारते हैं और अच्छा मारते हैं, वो देखेंगे से हाँ वेल्डिंग अच्छा हुआ है तो फिर आप लोग को मौका देंगे, और उन लोग को उनको लगेगा से वेल्डिंग अच्छा मारते हैं तो फिर आप लोग को देंगे वेल्डिंग करने के लिए। तो इसलिए दोस्तों, अगर कोई भी वेल्डर आपको जब पे वेल्डिंग देता है करने के लिए तो हमें डरना भी नहीं है, एकदम आराम से प्यार से मरना है, आराम आराम से प्यार से करके मरना है ताकि वेल्डिंग अच्छा हो। आपका वेल्डिंग जब अच्छा होगा तो फिर वो आपको दोबारा वेल्डिंग करने के लिए मौका देंगे। चलो रूट मारो। देखो फिलर को यहाँ से देने का, ये हाथ अपना ऊपर में रखने का, ऐसे हाथ रखने का, ज़्यादा यहाँ पे हाथ लगे में रखना, थोड़ा दूर पे हाथ रखना है, इतना दूर पे, और फिलर को यहाँ पे इतना देना आराम से, ये जो फिलर है जो इधर वाला एज है एज पे सपोर्ट लेना, ताकि फिलर आपका अंदर बाहर ना जाए, इस पर सपोर्ट रहेगा तो फिलर एक बराबर जितना आप खेलोगे वो उतना ही जाएगा, आराम से इस पर सपोर्ट लेना है, और उसका सपोर्ट लेके आराम से लेके चलना है। टॉर्च जो है टॉर्च को यहाँ से जलाना है, पहले फिलर को यहाँ पे देना है और टॉर्च को यहाँ से पहले जला के उसके बाद फिलर को आगे करना है, फिलर को यहाँ पे आ जाए उसके बाद टॉर्च को हल्का हल्का मूविंग करके लेके आना है, मूविंग करके लाल हो जाए तो जो पीछे वाला रूट है इसको लाल कर देना है, उसके बाद फिलर को कुछ में डालना है, फिलर इसमें सट जाए उसके बाद आराम आराम से फिलर को घसकाते रहना है और टॉर्च को ऐसे ऐसे आराम आराम से मूविंग करना है, ऐसा नहीं फास्ट में भागना है, ऐसा मत करना, आराम से प्यार से देख लेना वेल्डिंग दोनों साइड ने पकड़ लिया है, फिर आराम से भागने का, करंट हिसाब से लेने का, जितना फिलर गल पाए उतना ही करंट लेना, ठीक है। तो फिलर को जो
एज है ना, ये जो वी का पाइप का वी का एज है उसे 1 mm अंदर में रखना ताकि रूट निकले, और फिलर बराबर देना है, ऐसा नहीं अंदर बाहर अंदर बाहर ऐसे मत करना। फिलर एक बराबर साफ जाना चाहिए, फिलर का रड टूटना नहीं चाहिए, फिलर इसमें मतलब लगना चाहिए एकदम, फिलर इसमें सटा हुआ ही रहना चाहिए और फिलर से टंडक्शन 2 mm दूरी पर रहना चाहिए। ऐसे ऐसे आराम से रखना और मारते रहना ऐसे आराम से प्यार से। मारो मारो, टॉर्च खड़ा करके रखना, टॉर्च हाँ ऐसे टॉर्च रखना, और पीछे करो, और पीछे करो, हाँ यहाँ से जला के लेके जाने। चलो फ्लोर गिराओ, चलो तू गिराओ ना, मारो ना, मरा बोलना, ट्रेन ज़्यादा मत लेना, आराम आराम से, ज़्यादा तेजी जाके मत मारना। फिलर बराबर नहीं जा रहा है, मोटा ज्वाइंट में जितना फिलर हो सके उतना फिलर को देना है, फिलर जितना फिलर गल रहा है उतना फिलर वहाँ पे पहुँचाओ। और हाथ दूर करो, फिलर को और दूर से देना, ड्रॉप ड्रॉप क्यों दे रहा है यार जी। मारो, फिलर पूरा बराबर दो, फिलर तुम्हारा शॉर्ट शॉर्ट जा रहा है। बोलो और बढ़ाए, फिलर यार तुम्हारा बराबर जा नहीं रहा है, ठीक है और ठीक है। थोड़ा करंट लेके इतना तेजी में भागना के क्या गरज है, थोड़ा करंट कम लो, आराम आराम से फिलर को बुढ़ापा पहले दो मिनट करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। देख रहे हैं लोग दोस्तों, यहाँ से और यहाँ तक एक फिलर को जलाए हैं, ऊपर से तो ठीक है लेकिन रूट नहीं निकल पा रहा है। अभी आप लोग को दिखाता हूँ उसे रूट कैसे निकला हुआ है। देख रहे हैं लोग दोस्तों, रूट थोड़ा बहुत निकला हुआ है लेकिन ज़्यादा मोटा हो गया है, फिलर बराबर नहीं जा रहा है, करंट का अंदाज इसको नहीं मिल पा रहा है। देख रहे हैं लोग, फिलर कट आ गया है, ये फिलर कट आ गया है, रूट भी अच्छा नहीं निकला हुआ है, थोड़ा बहुत सही हो रहा है। देख रहे हैं लोग यहाँ पे वाइटी आ गया है, देख रहे हैं लोग यहाँ पर दब गया, फिलर बराबर नहीं जा गया है, करंट ज़्यादा हो गया है। अरे ऐसा दिक्कत है तो करंट ज़्यादा हो गया, यहाँ पे करंट ज़्यादा हो गया है इसलिए रूट पूरा छिटा गया है, करंट हिसाब से लेना है। एक दो फिलर और बेलिंग करवाता हूँ, देखते हैं कैसे होता है। तुम्हारा क्या हो जा रहा है, तुम यहाँ पे फिलर दे रहे हो, फिलर तुम्हारा बराबर नहीं जाना है, फिलर पूरा बराबर जाते जाना चाहिए, पूरा फिलर बराबर एक बराबर जाते जाना चाहिए, फिलर कम नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ पर फिलर दे रहे हो और मेजरमेंट करो, फिलर तरह इतना दूर चल जा रहा है, तो फिलर पूरा बराबर रहना चाहिए, पूरा इतना फिर जितना पे है, यह अभी टर्च है और फिलर है, इतना ही पे फिलर पूरा एक बराबर जाना चाहिए, हमेशा इतने दूर पर फिलर रहना चाहिए। अब तुम्हारा फिलर यहाँ टर्च यहाँ पे है, फिलर यहाँ पे आ जा रहा है, इधर में सट जा रहा है, इधर में सट जा रहा है, ऐसे मत करो, फिलर पूरा एक बराबर बीच में रखो, और नहीं तो बीच में रखो, जो ये वाला एज है इस पर सपोर्ट लो और फिलर को बीच में रखो, और सिर्फ टर्च से दोनों साइड में मेंट करो, आराम आराम से दोनों साइड में लेके जाओ, इधर थोड़ा रुको, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा करंट कम लो, आराम से ऐसे मारो, फिलर पूरा बराबर जाना चाहिए, जितना फिलर गल रहा है उतना ही करंट लो ताकि तुम फिलर दे पाओ, ज़्यादा करंट लोगे तो फिलर जल्दी गलेगा और तुम्हारा फिलर पहुँच नहीं पाएगा यहाँ टच तक, तो फिलर दूर हो जाएगा, रूट लटकेगा या रूट अच्छा नहीं निकलेगा, इसके लिए थोड़ा करंट कम लो, जितना मतलब तेजी में तुम भाग सकते हो उतना ही तेज लो, और फिलर बराबर जाना चाहिए, करंट ज़्यादा लेने से तुम्हारा फिलर भाग जा रहा है,
गल जा रहा है जल्दी और फिलर पहुंच नहीं पा रहा है, ज़्यादा जल्दी खेल नहीं पा रहे हो फिलर को, तो इसके लिए दिक्कत हो रहा है। ठीक है फिलर, अभी जैसे दे रहे हो फिलर को ऐसे फिलर को देना है, पूरा बराबर फिलर को दो, आराम आराम से मेंट करके चलो, कोई तेज़ी नहीं है, आराम से प्यार से दिमाग शांत करके तब मारो। देख रहे हैं लोग दोस्तों ऐसे मारे, फिलर को थोड़ा डाउन करो ना, और फिलर को थोड़ा नीचे तरफ डाउन करो, ये फिलर थोड़ा और नीचे दाबो ना, ये हाथ थोड़ा और स्लो करो, पाइप के तरफ नीचे में रखो, ज़्यादा उठा के मत रखो, उठा के रखेगा फिलर कट आएगा, फिलर बराबर नहीं जाएगा, फिलर को थोड़ा सुता के रखा जाता है ताकि नीचे पहुंच पाए, नीचे पहुंचेगा तभी रुक निकलेगा। देख लोग दोस्तों मैं बताया हूँ समझाया हूँ कि कैसे मारना है, करंट हिसाब से लेके मारना है। देख रहे लोग यहाँ से और यहाँ तक मारे है, यहाँ तक थोड़ा सही आया है, और ऐसे थोड़ा आता है तो चलेगा, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सही है, तो ऐसे आराम से प्यार से मारना है, तेजी क्या है, तेजियाना नहीं है, एकदम आराम से प्यार से करके मारो ताकि बिल्डिंग अच्छा हो, बिल्डिंग अच्छा होगा तभी फिर मौका मिलेगा, ये जब खराब करके चले जाओगे तो फिर कोई नहीं देगा वेल्डिंग करने के लिए। मारो आराम से मारने का, उसी तरह फिलर आराम से देने का, प्यार से देने का, और दोनों साइड में वेल्डिंग पकड़ ले तभी लेके चलना है आगे बढ़ना है टॉर्च को, और पीछे से लाल करके चलने का, रूट जो पीछे मारा हुआ है उसको लाल करके उसमें फिलर डाल के तब चलना, आराम आराम से, फिर तेजी आ रहा है, ज़्यादा तेज़ी मत दिखाओ, चिपकाओ मत, चिपकाओगे कंडीशन ख़राब हो जाएगा, फिर रूट निकलेगा नहीं। देख रहे हैं लोग दोस्तों ये 25 दिन के अंदर में मेरे पास जब में वेल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन 25 दिन के अंदर में फिर भी बहुत जानकारी हो गया है, बहुत सारा हेल्पर है जो 25 दिन के अंदर में फिलर को भी जलाने का ढंग नहीं आता है, फिलर भी नहीं जला पाता है, लेकिन ये मेरे पास देखिए 25 दिन के अंदर में जब पे मारते हैं, जब पे हॉट पास थोड़ा अच्छा मार लेते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा रूट दिया हूँ मारने के लिए, ऐसे तो मैं डेली प्लास्टिक कराता हूँ वेल्डिंग करने के लिए, लेकिन मैं डेली वीडियो नहीं बना पाता हूँ, जब थोड़ा वीडियो बनाने का मौका रहता है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग को दिखा सकें 10-20 दिन के अंदर में, 25 दिन के अंदर में कितना मेरे पास नॉलेज हुआ इनको। दोस्तों मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि दोस्तों मैं जब हेल्परी कर रहा था, मुझे जब वेल्डिंग का काम सीखना था उस समय मुझे हेल्प करने वाले कोई नहीं थे, उस समय हमारा हेल्प कोई नहीं करते थे, इसलिए दोस्तों मुझे बहुत कष्ट झेला हूँ, बहुत समस्या का सामना किया हूँ, तब मुझे लास्ट में एक उस्ताद हमको मिले जो मेरा बहुत हेल्प किए और बहुत अभी भी हेल्प करते हैं, तब मैं जाके एक वेल्डर बन पाए, तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोग का भी हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे जितना कष्ट हुआ है, मैं जितना समस्या का सामना किया हूँ, मैं जितना कष्ट झेला हूँ, उतना आप लोग का भी कष्ट झेलना पड़े, उतना आप लोग का भी समस्या हो, इसलिए दोस्तों मैं आप लोग का सिखाता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ, ताकि आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग एक अच्छा वेल्डर बन सके, इसलिए हर आसान आसान पोजीशन में बताता हूँ, समझाता हूँ और सिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग में से कोई भी दोस्त और मेरे पास आना चाहते हैं वेल्डिंग का काम सीखने के लिए, तो आप लोग कमेंट कीजिए, और मेरे वीडियो के अंदर मेरा नंबर पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके मेरा नंबर निकालिए और कॉल कीजिए, मेरे से संपर्क कीजिए, और जब भी भर्ती मेरे पास रहेगा तो मैं आप लोग का बुलाऊंगा, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आप लोग का एक अच्छा वेल्डर बनाऊंगा, जितना हो सके उतना मैं अपने तरफ से पूरी आप लोग का हेल्प करूंगा, और हर हेल्पर का मैं हेल्प करना चाहता हूँ और हेल्प करता हूँ, जितने भी पास मेरे पास हेल्पर रहता है, ये नहीं से मेरे पास जो हेल्पर है मैं उन्हीं लोग को बताता हूँ और सिखाता हूँ, यहाँ पे मैं जिस कंपनी में हूँ यहाँ पे जितना भी बिल्डर का हेल्पर है सबको मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ और समझाता हूँ, लेंस में मैं खुद नहीं सोता हूँ, लेंस में जग जग के मैं सबको समझाता हूँ, सिखाता हूँ और बताता हूँ। चलिए दोस्तों इस वीडियो को इतना ही पे एंड करता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।